हाय, कितनी नेगेटिविटी फैलाएंगे आप लोग? मतलब कितनी हद हद होती है हर चीज़ की, चाहे वो प्रेगनेंसी को लेके हो, चाहे वो खुशियाँ मनाने को लेके हो, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे वो प्रोफेशन को लेके हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके हो। मतलब हर चीज़ में आप लोगों को नेगेटिविटी फैलानी है ना? और फिर आप लोग हमें बोलते हैं कि हम फेक कर रहे हैं या हम नौटंकी कर रहे हैं। मैं तो हुई, मतलब मुझे तो सर्टिफाई कर दिया है कि मैं नौटंकीबाज हूँ। हाँ ठीक है, हूँ, बताओ अब क्या हूँ नौटंकीबाज? आई मीन ग्रो अप गाइज, आप लोग हमें बोलते हो। मैं जिस तरीके के कमेंट्स आप लोग करते हो मेरी प्रेगनेंसी को लेके, इज दैट ओके? मतलब आप लोग ये सवाल कर रहे हो कि मैं फेक कर रही हूँ बम्प को, आप एक प्रेग्नेंट औरत को ये बोल रहे हो वो सही है? आई मीन दैट इज फाइन विथ यू गाइज, अकॉर्डिंग टू यू हम लोग बुरे हैं ना, हम लोग फेक हैं। तो आप जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो किसी के लिए वो सही है, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हो, सब कैलकुलेशन वगैरह सब लगा रहे हो, आपको किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है हमारी लाइफ के बारे में। आप हमारी लाइफ के बारे में इतने बड़े इतने डीप जजमेंट्स पास कर रहे हो, वो सही है, आप लोग सही हो। आई मीन आई पिटी यू गाइज। मैं जेन्यूनली, जो मैं और शोएब हमेशा बोलते हैं कि आप लोग वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हो लाइफ में जिसको कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, ना आपको प्यार मिला है, ना आपकी ज़िंदगी में सुकून है, और ना आप किसी को सुकून दे सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, और ये मैं हर उस इंसान के लिए बोल रही हूँ आज जो हमारे बारे में गलत बोलता है, जो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में गलत बोलता है, जो मेरे और शोएब के रिलेशनशिप के बारे में गलत बोलता है। क्यों? क्योंकि शोएब ने एनिवर्सरी का कुछ किया नहीं। आई मीन रियली गाइज, एंड स्पेशली ऑल द लेडीज, शोएब को कुछ करना चाहिए था। शर्म करो, तुम प्रेग्नेंट हो, उसे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए था। क्यों क्यों ऐसा ऐसा क्यों? उसका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बर्थडे लग रहा था। हाँ तो अगर मेरा बस चले तो मैं रोज शोएब के लिए ऐसा कुछ करूं। वो लेवल का प्यार है मेरा और उनका भी है, मुझे पता है। जस्ट बिकॉज मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवा सकते हो। और मैंने बोला है वीडियो में कि हम हमेशा ये चीज क्यों लेके आते हैं कि सिर्फ मर्द स्पेशल फील करवाए। क्यों? जब वो मुझे अपने हेक्टिक शेड्यूल में 3 दिन की छुट्टी, ओ हेक्टिक शेड्यूल, यस, सिर्फ मेरे शोएब नहीं है जो काम करते हैं, ऑफकोर्स नहीं है। मैंने ये बोला कि हाय सिर्फ मेरा पति ही काम करता है? डिड आई से दैट? आई नेवर सेड दैट। लेकिन अगर कोई आपकी लाइफ में भी अगर कोई इतना वर्क शेड्यूल में थक रहा है, तो मेरी ये आदत है और मैं ये जिंदगी भर इसे कंटिन्यू करूंगी कि मैं उस चीज को बहुत हाईलाइट करूंगी, और मैं बहुत प्राउडली हाईलाइट करती हूँ। आपने कभी डेली सोप की शूट की है? कुछ पता है आपको वो आधे घंटे के एपिसोड के पीछे कितनी मेहनत लगती है पूरी टीम की? आप जानते हैं, दे आर ऑन द सेट 12 to 15 hours वर्किंग, जाने आने का टाइम अलग, उसके बाद घर आके जब इंसान 12:30 1 बजे तक झपकी लेता है, अगले दिन 6 बजे वापस उठना हो जाता है। 12:30 1 तो मैं जनरल बोल रही हूँ, शोएब तो घर ही 1 बजे पहुंचते हैं जिम खत्म करके। ही इज एन एक्टर, बॉडी मेंटेन करना उनकी रिक्वायरमेंट है, और वो क्यों ना मेंटेन करें अपनी बॉडी, क्यों नहीं करें? वो बिल्कुल मेहनत करेंगे, वो बिल्कुल अपने आप का 100% या 200% देंगे। आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, या क्योंकि आपने आपके पार्टनर्स आपके लिए इतना भी नहीं करते जितना मेरे शोएब मेरे लिए करते हैं? हाँ, मैं शोएब की हर व्लॉग में तारीफ करूंगी, और अब तो मैं और ज्यादा करूंगी। जिसको तकलीफ है ना, डील विथ इट, बेयर मी, बिकॉज मेरी लाइफ का गुरूर शोएब है। यस, ये वीडियो भी उसी के बारे में है। हाँ, मैं आपको कितना इरिटेट कर रही हूँ। हाँ, दिस गर्ल कैन नॉट जस्ट स्टॉप बींग ब्लाइंड, कांट स्टॉप बींग ओवर ऑब्सेस्ड विथ हर हस्बैंड। यस आई कांट, बिकॉज दैट इज द लव शोएब एंड आई शेयर। एंड शोएब मेरे लिए कितना करते हैं ये भी आप लोगों को पता है, आप लोगों को दिखता है। बट जस्ट जब आप लोग किसी को कॉर्नर करना चाहते हो ना, तो आपको 1 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट नहीं लगता। अब आप ये भी बोलेंगे कि आ गई एक्टिंग करने, आ गई ये करने, आ गई वो करने। हाँ भैया, हम में ही सब गलतियां हैं, हम सब कर रहे हैं। आई मीन आई रियली वॉन्ट टू रीड आउट अ फ्यू कमेंट्स टू यू ऑल,
एंड मैं आप लोगों को समझाना आप लोगों से समझदारी की तो कोई उम्मीद है ही नहीं फॉर ऑल यू ट्रोलर्स जो बैठे ही रहते हैं कि चलो आज किसकी बजाएं, क्योंकि एज आई सेड लाइफ में बेचारे आप लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो यार. आई थिंक यू शुड गेट योरसेल्फ अ डॉक्टर एक्चुअली. सो एनीवेज एकदम से तबीयत बहुत खराब हो जाती है, फिर सडनली सब ठीक हो जाता है. शॉपिंग पे शॉपिंग होने लगती है, तबीयत है या गिरगिट है मिनटों में रंग बदल जाती है. क्यों? आपकी तबीयत जब खराब होती है तो हर बार तबीयत बिगड़ने पे आप 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहते हो. आपकी ऐसी तबीयत खराब नहीं होती कि एक दिन खराब होती है फिर दो दिन बाद आपको बेटर फील करता है. आपको नहीं लगता? अरे वाह, आप तो बहुत अलग हो फिर. भैया मैं तो ऐसी हूँ, मेरी किसी दिन तबीयत खराब होती है, किसी दिन मुझे ठीक लगता है, और जिस दिन मुझे ठीक लगता है आई हेट सिटिंग एट होम. आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट एंड आई वॉन्ट टू फील बेटर अबाउट इट. इस सब पागल कर देने वाली नेगेटिविटी के बीच में देर इज वन सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो इतने प्यार से हमें चीजें बोलते हैं, तो उनसे बहुत हिम्मत मिलती है. और ये बिल्कुल उन्हीं का कमेंट है तो ये मैं उनके लिए पढ़ूंगी. फर्नीचर बताते वक्त आप नीचे बैठे थे ना, वैसे नहीं बताते प्रेगनेंसी में, मम्मी ने बोला है. थैंक यू सो मच. नहीं पता होती सारी चीजें यार, नहीं समझ में आती चीजें. हाँ प्रेग्नेंट हूं कई बार, और ऑब्वियसली डॉक्टर आपको हर चीज़ नहीं बताता. मेरी प्रेगनेंसी शुरुआत के 3 महीने में कॉम्प्लिकेशंस वाली थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसमें मुझे बेड रेस्ट बोला था. लास्ट स्कैन के बाद डॉक्टर हैज सेड कि तुमको अगर बेबी मून के लिए जाना है तो जाओ, हैव फन, ये 2 महीने मेरी तरफ से पूरी छूट है, तुम्हें जो करना है करो. नाउ इफ डॉक्टर हैज सेड दैट आई विल ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उछल कूद करके नाच रही हूँ, बट येस आई एम टेकिंग लाइफ नॉर्मली. जब मैं नॉर्मल नहीं थी, जब मैं बेड पे थी, मेरी तबीयत खराब थी, तब आप लोगों को बहाना था बोलने का कि नाटक करती है, कोई पहली औरत थोड़े है जो प्रेग्नेंट है. हर कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई गरीब प्रेग्नेंट होता है, बिल्कुल होता है. और मैंने अपने पहले वीडियो में यही बोला था कि जब भी मुझे तकलीफ होती है, आज भी मैं उन्हीं लोगों के बारे में सोचती हूँ, कि उन लेडीज के बारे में सोचती हूँ जिनको इस हालत में भी काम करना पड़ता होगा. मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ इस बात को लेके कि आज जब मेरी तबीयत खराब है और जब डॉक्टर मुझे कह रही है कि आप बेड रेस्ट लो, तो मैं बिना सोचे समझे घर पे रह सकती हूँ. इस चीज़ का एहसास है मुझे, बट यू नो व्हाट, आप लोगों को नहीं है. आप लोगों को सिर्फ बड़े बड़े कमेंट्स पास करना आता है और आप लोगों को कुछ नहीं आता जेन्युइनली. सो यस, थैंक यू फॉर दिस कमेंट, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी के बीच में जब ऐसे आप लोग कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं तो वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और डेफिनेटली मैं आगे से ध्यान रखूंगी. ओके, दे आर वर्स्ट. इफ वी आर, तो आप हमारा ब्लॉग क्यों देख रहे हैं? आपको हमारा पूरा ब्लॉग भी देखना है, उसमें से मसाले भी उठाने हैं, क्योंकि अगर आप मसाले नहीं उठाओगे तो भैया आपको काम कैसे मिलेगा, आप ट्रोल कैसे करोगी, आपकी जिंदगी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो कैसे निकलेगी, है ना? तो यहाँ आ गया है, शी गॉट ट्रोल्ड फॉर हर ज्वेलरी थिंग. विच ज्वेलरी थिंग? She bought it herself and gave it to show. Oh, okay. तो अब एक तरफ आप लोग बोलते हैं हाय ये लोग हर चीज व्लॉग में दिखाते हैं, दूसरी तरफ अगर मैंने कभी कुछ जाके अपने लिए, तो मतलब एक ही तनिष्क से एक ही चीज ली जा सकती है ना, एक ही दिन पे दो अलग अलग दिनों पे दो चीजें नहीं ली जा सकती. मैंने ये लिया था और शोएब ने मुझे ये दिलाया है. अब इसका बिल मैं आपको दिखाऊं, ये प्रूफ दूं, जस्ट दैट आई डिड नॉट शूट गोइंग इनसाइड तनिष, बिकॉज इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर मी. मुझे वो बड़ा वाला चेंज करके छोटा पहनना था, आई जस्ट वॉकड इन. उस दिन मैं ऐसे ही घूम रही थी धर्म दादा के साथ, तो मैं गई, मैंने लिया एंड आई केम आउट एंड दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट आई बॉट, आई डिडंट शो इट. तो जरूरी है कि अगर मैं दिखाऊंगी तो ही वो चीज है? आई मीन प्लीज गाइज, कि मतलब देखो आप लोग हमसे ऑब्सेस्ड कितने हो कि आपको हर डिटेलिंग में घुसना जरूर है और हर डिटेलिंग का मजाक उड़ाना है. वाओ, मतलब दिस इज समथिंग जो आप लोग स्प्रेड कर रहे हो कि किसी की भी उठा के सिर्फ धजिया उड़ाओ, है ना? हाँ, आफ्टर एवरी ट्रोलिंग शी प्रिटेंड्स दैट शी इज नॉट वेल एटसेट्रा एटसेट्रा. वॉट काइंड ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी? शी इज आउट ऑल द टाइम ईटिंग जंक, कांट ईट व्हीट बट मैदा. यस, such a double standard person, please be real for once. I am real. मैं ऐसी हूँ. हाँ मेरे साथ ये problem है कि मैं गेहूं खाती हूँ तो मुझे problem होती है, लेकिन मैं मैदा खाती हूँ तो मुझे problem नहीं होती. मैं अपने doctor को भी बता चुकी हूँ, हम लोग इस बारे में बहुत हंस भी चुके हैं. I am real. मैं यहाँ किसी को कुछ prove करने नहीं बैठी हूँ.
अगर आपको मुझसे इतनी तकलीफ है तो आप मत देखिए मेरा चैनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु शावर अ लॉट ऑफ लव ऑन मी. आई एम हियर बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट पीपल गेट पॉजिटिविटी. आई एम हियर फॉर दैट. तो आप ये जो रबिश सी नेगेटिविटी फैला रही है ना कि मैं हर इसके बाद बीमारी का नाटक करती हूँ, मैं कोई नाटक नहीं करती. मैं जब बीमार होती हूँ मैं जेन्युइनली बोलती हूँ मैं बीमार हूँ, और जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ या मुझ में इतनी एनर्जी है. मतलब तुम लोगों के साथ नहीं होता क्या यार, कभी बीमार पड़ो और उसके बाद फिर थोड़ा बेटर फील होने लगे, फिर वापस ऐसा लगे कि नहीं आज फिर से लो हो रहा है. कम ऑन, मैंने अपनी, अगर मैं ये कुछ भी बोलती हूँ तो अपनी प्रेगनेंसी का हवा बनाया हुआ है. क्या हवा बनाया हुआ है? आप प्रेग्नेंट हुए हो कभी? बिकॉज यहाँ मैं हर किसी से पूछती रहती हूँ. देयर आर सो मेनी लेडीज हु कमेंट कि हाँ हमारे साथ भी यही हुआ है. मतलब इट इज अ रोलर कोस्टर राइड. आपके साथ किस दिन, एवरी डे इज अ न्यू इमोशन. आपके साथ किस दिन क्या होता है ये आपको पता नहीं चलता. बट एनीवेज आप क्यों समझेंगे, आपको तो सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है. नेक्स्ट, लोगों के लिए गाना बना है तो उनको डिसाइड करने दो ना अच्छा है या नहीं. ये क्या है, अपने मुंह में या मिट्ठू बने हुए हैं. ट्रेलर ऐसा है तो पूरा गाना कैसा होगा, लाजवाब होगा, क्या क्या है ये सब. सेल्फ ऑब्सेस्ड. भैया मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. प्रॉब्लम है आपको? मैं तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. और यस, जो वो गाना करेंगे या जो वो शो करेंगे या इंशाल्लाह आगे वो जो भी काम करेंगे, मैं तो उसके बहुत गुणगान गाने वाली हूँ. बिकॉज दैट इज ही फॉर मी. यू हैव अ प्रॉब्लम, डोंट सी इट, सिंपल. एंड आई पिटी आपके जानकार या आपके फैमिली के लोग कि आप उनके गुणगान कभी नहीं गाओगे क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा नहीं है या आप दूसरे की तरक्की में खुश नहीं होते. मुझे पता है शोएब ने कितना हार्डवर्क डाला है, तो मैं तो अपने रिव्यूज दूंगी, डेफिनेटली दूंगी. यस, पब्लिक को पसंद आया नहीं आया वो देंगे. मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द सॉन्ग हैज डन रियली वेल एंड इट इज ट्रेंडिंग एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट. You like it? Good. You don't like it? Sorry. Next. ये अपने आप को कौन सा इंटीरियर डिजाइनर समझती है, सब फेक है, पहले ही डिजाइनर से बात कर लेते हैं और सामने बकवास. Okay, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. Yes, मैंने एक और कमेंट पढ़ा था. आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन एंड आई वेरी हैप्पीली एंड वेरी प्राउडली एक्सेप्टेड. ये जो मेरी सारी चीजें हैं ना, ये मेरी हॉबीज हैं. मुझे अच्छा लगता है अपना घर सजाना, मुझे अच्छा लगता है इन सब क्रिएटिव चीज़ों में इनपुट देना, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाके लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें पिकअप कर पाऊँ. और मेरी फैमिली को भी ये चीज़ अच्छी लगती है. आपको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है? मैं आपका घर तो नहीं बना रही ना, मैं आपके पास आके तो नहीं बोली ना आपके घर का इंटीरियर मैं करूँगी. मैंने कभी ये नहीं बोला मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये सब करना अच्छा लगता है. और हाँ, जब काम ऐसा होगा कि शायद मुझसे ज्यादा हमें कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, तब हो सकता है मैं कभी इंटीरियर डिजाइनर भी ले आऊं. आपको इतनी तकलीफ क्यों है? क्या मैं आप लोगों को किसी चीज पे फोर्स कर रही हूं? चलो अगर मैं फेक हूं भी, अगर मैं आपको झूठ भी दिखा रही हूं, तो क्या मेरे झूठ से या मेरी फेकनेस से आपको नुकसान हो रहा है? इज आर यू लूजिंग एनीथिंग? क्या मेरी वजह से मैं आप पे कुछ थोप रही हूं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नुकसानदायक करो, या मैं जो आपको दिखा रही हूं उससे आप पे कोई नुकसान हो रहा है? आई मीन, और आप जो ये रूड कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स फैला रहे हो, इससे बहुत अच्छा हो रहा है सबका, है ना? सुपर्ब गाइस, कीप इट अप. मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें आप लार्जर देन लाइफ सेलिब्रेट करो. या आप उस दिन जेन्युइनली, कोई प्लान नहीं था, किसी का प्लान नहीं था. रिंकू ऑब्वियसली केक भेजने वाली थी एंड मैंने स्पॉन्टेनियसली प्लान बनाया कि चलो आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर टुडे, लेट्स जस्ट डू समथिंग. नहीं तो मैं वो भी नहीं करती. एंड आई जस्ट डिड इट फॉर शोएब, बिकॉज शोएब ने हर बार मेरे बर्थडे पे मुझे दुबई ले जाना, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना, हर चीज़. हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो बेचारे रात भर मेरे लिए जागे. मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ जिस दिन मेरी तबीयत खराब थी. और आप में से कई लोगों ने पलट के बोला है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी. एग्जैक्टली माई पॉइंट. आई पिटी यू ऐसा बोलने वाले. आप जो लेडीज या जेंट्स जो भी हो ना, यू ऑल आर लूजर्स इन लाइफ.
क्योंकि अगर आपका स्पाउस आपके लिए रात भर जगता है, आपका ख्याल रखता है, आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते। और अगर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ और मैं ढिंडोरा पीट रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की तारीफ खुलेआम कर रही हूँ, जो आइडियली सबको करनी चाहिए, बट आई डोंट नो इतना ये क्यों है कि अरे ये तो हर कोई करता है, इसमें बोलने की क्या बात है? क्यों क्यों बोलने की बात नहीं है? तो ये जो आप गलत गलत चीजें बोल रहे हो, ये बोलने की बात है। ये जो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ये बोलने की बात है, अच्छी चीजें बोलने की नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? एक हस्बैंड वाइफ, मैंने वैलेंटाइंस पे शोएब के लिए कुछ नहीं किया, हम कभी नहीं करते। हम वैलेंटाइंस कभी मूड हुआ तो हाँ चलो मना लिया, नहीं हुआ तो हाँ चलो नहीं मनाया। मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं कि हाँ वैलेंटाइंस डे मनाना, हम कभी नहीं करते। वी आर दैट काइंड ऑफ अ कपल। पिछले साल शायद शोएब ने पूरा रोज डे पूरा सेलिब्रेट किया था, सब कुछ किया था, इस साल नहीं किया। यार बिग डील, क्या फर्क पड़ता है? जब हर चीज में आप लोग इतनी बाउंडेशंस क्यों ढूंढते हो? एंड दी एनिवर्सरी, उसका बर्थडे बना दिया, शर्म आनी चाहिए, एक गुलाब लेके आ गया। गाइज That's what my whole, मतलब मेरी मेरा पूरा पॉइंट वो था कि एटलीस्ट इस केस में छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है कौन किसको स्पेशल फील करवा रहा है? 5 साल की एनिवर्सरी है, पहला माइलस्टोन, शोएब ने कुछ नहीं किया, तुम प्रेग्नेंट हो, शर्म आनी चाहिए। ओपन योर आईज। ओपन माई आईज फॉर व्हाट? एनीवेज, मुझे मेरी लाइफ में शोएब के आने की वजह से जो खुशियाँ आई हैं, जो स्टेबिलिटी आई है, जो सुकून आया है, वो मेरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं था, ना बचपन में और ना मेरे काम शुरू करने के बाद, और ना उसके बाद जो मेरी लाइफ का सबसे डार्क फेज था उसमें भी। और पता है, आप जैसे बेकार लोगों की वजह से कोई इंसान जो अपने पास्ट को इतना पीछे छोड़ चुका है ना, आप वो भी नहीं छूटने दोगे, कभी नहीं छूटने दोगे। क्योंकि आप लोगों को क्या फैक्ट्स तो पता होते नहीं है जिंदगी के, है ना? ना आपको जानने से कोई लेना देना। आपको क्या लगता है, अरे ये मसाला बड़ा अच्छा है, उठाओ इसको स्प्रेड करो। तुम लोगों को किसी चीज की कोई मतलब, आप लोग मुझसे इतने बेकार सवाल करते हो जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो हुआ भी या नहीं हुआ ये आप लोगों को नहीं पता। वैसे वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे गाड़ने आप सब आ जाओगे अगर किसी लड़की के साथ बुरा हो रहा होगा तो, लेकिन अगर कोई लड़की अपने बुरे पास्ट को पीछे छोड़ के आगे जिंदगी जी रही है, तो आप जैसे कुछ लोग जो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हो कि पहले ये नहीं किया होगा, पहले वो नहीं किया होगा एंड ऑल दैट, आप जैसे कुछ लोग उस पर उंगली उठाने से चूकते भी नहीं हो। सो जब आप लोग ये सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हो ना, अपने बारे में पहले ये सब भी थोड़ा सा नोटिस कर लिया करो, ठीक है? सो आई नो व्हाट प्लेस, इफ शोएब हैड नॉट बीन देयर इन माय लाइफ, मैं आज ये दीपिका नहीं होती, मैं सुकून की जिंदगी नहीं जी रही होती, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं होती, मैं अपने आप को भूल चुकी होती। आई डोंट नो मेरा क्या स्टेट होता, मैं सोच भी नहीं सकती। ही इज अ रे ऑफ हैप्पीनेस ऑफ होप एंड आई एम वेरी प्राउड कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर जिंदगी बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी जिंदगी बनाई है। हम आज यहाँ खड़े हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, हम हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर कोई हमारा ख्याल रखता है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम एक पब्लिक फिगर हैं, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप लोगों को पूरी फ्रीडम है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव जजमेंट भी पास करें, नेगेटिव जजमेंट भी पास करें, बिल्कुल पूरी फ्रीडम है, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल रही। लेकिन अपने दायरे में रहिए, और अगर दायरे में नहीं रहना है तो प्लीज़ मत आइए। मैं बोल रही हूँ आपको, मत आइए देखने के लिए। अगर आपके पास हमें देने के लिए सिर्फ नेगेटिविटी है तो मत आइए हमारे पास, बिल्कुल मत आइए। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं उन लोगों को जो आते हैं हमारे पास हमारा प्यार बांटने के लिए, हमारा दुख बांटने के लिए, या हमें प्यार से हमारी गलतियां समझाने के लिए। कितने लोगों ने मुझे उस दिन के ब्लॉग के बाद प्यार से बोला है, बोला तो सबने है,
आप लोगों का तो बहुत ही बेकार तरीका है। सबने बोला है कि बेटा बाहर का खाना अवॉइड किया करो, बेटा बाहर का खाना नहीं खाना। अब मेरे साथ क्या हुआ, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया हाँ अब तुम 2 महीने कुछ भी करो। अब मैं हुई एक्साइटेड, मैं बाहर निकल गई, मैं टिफिन लेके गई थी, मैंने कार में टिफिन भी खाया, लेकिन मैं बाहर निकल गई। और फिर उसके बाद वो सबा ने ऑर्डर किया और क्रीम सेंटर मुझे जाने की बहुत समय से इच्छा थी तो मैंने खा लिया। अब मैं वो खाती चली गई और मुझे रियलाइज हुआ, फिर इत्तेफाक से शोएब भी उधर ही थे तो वहाँ पे प्लान बन गया। अब ऑब्वियसली पिज्जा में बैठे हैं तो मैं पिज्जा भी थोड़ा सा खा लिया, ये भी, एंड यस देन आई फेल इल। करेक्ट, यू ऑल आर राइट, ओके फाइन, हर किसी से गलतियां होती हैं यार। तो क्या मतलब मार दोगे क्या? एक प्लेटफॉर्म है, बिना शक्ल दिखाए, बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए जो मुंह में आया वो बक देते हो। मतलब बैकबोन है भी या नहीं है? फेसलेस फ्रस्ट्रेटेड पीपल इन लाइफ। और ये सिर्फ हमारे केस में ही नहीं है, कई लोग आप लोगों की ट्रोलिंग आजकल, तो मतलब हर चीज पे मुंह उठा के आप लोग बोल देते हो यार इतनी आसानी से। जब मैं काम कर रही थी तब बुढ़ी हो गई है, काम करना छोड़ दे, ये वो व्हाटएवर व्हाटएवर। और अब जब मैं आराम कर रही हूं, काम क्यों नहीं करती, घर पे बैठ गई है, क्या से क्या हो गई है, क्या से क्या हो गई हूं, तुमको क्या करना है, क्या से क्या हो गई हूं। सो एनीवेज, ये जो कॉन्वर्सेशन है ये कभी खत्म नहीं हो सकती आई थिंक, क्योंकि आई एम श्योर अब इस वीडियो का भी जवाब देने के लिए तो आप लोग ऐसे एकदम रेडी हो जाओगे। कई लोग तो बस बैठे ही रहते हैं कि कुछ कंटेंट मिले तो हम लोग इनकी धज्जियां उड़ाए, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही डेफिनेटली। लास्ट में एक दिल से थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु लव अस, थैंक यू सो मच। नेगेटिव कमेंट्स से मेरे बहुत सारे स्नैपशॉट्स लेके रखे थे, बट जेन्युइनली मेरा वो जाके पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और यस, अफेक्ट होता है, बहुत अफेक्ट होता है, क्योंकि इंसान हैं हम भी, और स्पेशली ऐसे फेज में जब पहली बार आप मदरहुड एक्सपीरियंस कर रहे हो, तब जब ये गंद कोई फैलाता है आपके बारे में तो बहुत अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। सो जस्ट नहीं कुछ अच्छा कर सकते ना यार, तो किसी का बुरा मत करो, प्लीज मत करो। Just get a life for yourself. Live happy. Let others stay happy. And anyways, so yes, thank you उन सब लोगों को जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अच्छे कमेंट्स होते हैं उनको देख के बहुत हिम्मत मिलती है, और शायद आज उसी हिम्मत की वजह से मैंने आके ये वीडियो बनाया है। अब इसमें भी आप बहुत सारे लोग ऑब्वियसली होंगे कि आ गई एक्टिंग करने, एंड आ गई ये, एंड आ गई वो, एंड आ गई भाषण देने, एंड हाँ भाई मैं आ गई भाषण देने। जब तुम लोग आ सकते हो बकवास करने के लिए तो मैं भी आ सकती हूँ भाषण देने के लिए, एज सिंपल एज दैट। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, आई लव हिम। मेरा बस चले तो मैं रोज़ उनके लिए डेकोर करूं, और मैं रोज़ उनके लिए हर वो एफर्ट लूं कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं उन्हें वो बताने के लिए, बिकॉज ही इज़ माई वर्ल्ड फॉर मी। और अगर आप लोग अपने स्पाउसेस के बारे में ये नहीं सोचते हैं तो मुझे तरस आता है आप लोगों पे, जेन्युइनली। मैं फिर से कह रही हूँ कि एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ से एक दूसरे को मत तोलो कि कौन कितने एफर्ट्स ले रहा है, और शोएब मेरे लिए कितने एफर्ट्स लेते हैं ये मुझे आप लोगों को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें भी दिखती हैं, व्लॉग्स में भी दिखती हैं। वो आप लोग देखना नहीं चाहते, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी नज़रों की प्रॉब्लम है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तो मैं, मेरे पास जो प्राउड पोजेशन है, मेरी ज़िंदगी की सबसे सबसे नायाब, मेरी ज़िंदगी में जो है मेरे हस्बैंड, उनको मैं बहुत फ्लॉन्ट करूँगी, क्योंकि मैं उनसे बेशुमार प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे बेशुमार प्यार करते हैं। वो मुझे एक बच्चे की तरह रखते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे बहुत पैम्पर करते हैं। हाँ, मैं ये बात रोज़ हर बार दोहराऊँगी, आपको तकलीफ़ है आप मत देखो, डोंट सी इट। मैं ये रोज़ दोहराऊंगी, आप मुझे बोलो फेक है, आप मुझे बोलो मैं डेस्परेशन में ये प्रूव करने के लिए बोल रही हूँ, ये सब आपकी थिंकिंग दर्शाता है, मेरी नहीं। आई नो वॉट माई हस्बैंड मीन्स टू मी, एंड आई नो वॉट ही डज फॉर मी, एंड इवन यू गाइज नो इट। सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू सी इट, टाटा बाय बाय। सो एनी वेज, ये बहुत दिनों से दिल में भरा हुआ था, एंड
अफेक्ट कर रहा था, डेफिनेटली कर रहा था. इंसान हूँ, बुरा लगता है जब आप लोग इतनी फालतू बकवास करते हो तो बुरा लगता है. कई चीज़ें तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कई चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं. बट मैं अभी भी बोलूँगी, जिनको आके नेगेटिविटी फैलानी है वो प्लीज़ मत आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और जो हमारे चाहने वाले हैं, जो इस फेज में भी हमें हिम्मत दे रहे हैं, वो ऐसे ही हमें हिम्मत देते रहिए. एंड आप लोगों की हिम्मत की वजह से आई हैव बीन एबल टू सर्वाइव दिस फेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है एंड हिट कर रही है. क्योंकि मेरी आई थिंक एक लड़की के लिए ज़िंदगी की दो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, एक उसका हस्बैंड और एक उसका बच्चा. और इस वक्त सारी नेगेटिविटी इन दोनों चीज़ों के ऊपर है, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये गलत है. आई डोंट नो आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे, आई मीन द फ्रस्ट्रेटेड पीपल, आप लोग नहीं मानोगे. सो यस, मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं फेक हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं ये वो ब्ला ब्ला व्हाटएवर, मैं तो ये करना कंटिन्यू करती रहूँगी. आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, टोटली योर चॉइस. एंड आई लव द पीपल हु गिव लव टू अस. आप सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनते रहेंगे, मैं अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँगी. एंड जस्ट कुछ समय के लिए जो पॉजिटिव पीपल जो है वो अगर थोड़ा सा और एक्टिव होके कुछ अच्छी अच्छी हमें मुझे हिम्मत दे दी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू द गुड पीपल एंड फ्रस्ट्रेटेड पीपल इन लाइफ.